हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसडीके ब्लॉगर। दोस्तों, आप सब लोग टैक्स और डिस्क्रिप्शन देख के तो समझ ही गए होंगे मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आप लोगों के पास कोई भी टू व्हीलर बाइक है जिसका सामने का शॉकअप ऑयल लीकेज कर रहा है या ऑयल लीक हो रहा है, तो आप लोग इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं और ये रिपेयर होता है कि नहीं, इस वीडियो में पूरा मैंने बताने वाला हूँ आपको। तो गाइस, चलो वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये होंडा का टू व्हीलर स्कूटर है जो आप वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ। इसके सामने का शॉकअप से ऑयल लीकेज हो रहा है और हम इसे कैसे रिपेयर करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम सामने का भी बॉडी खोल रहे हैं इसका सामने का, और सबसे पहले हम इसका सामने चक्के का एक्सल खोलेंगे। 19 नंबर की गोटी लगी हुई है इसमें, रिंग पाना से इसे खोलेंगे हम लोग। गाइस, वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिएगा। इस गाड़ी के दोनों शॉकअप को कैसे रिमूव करके, रिपेयर करके, कैसे रीफिट करते हैं, इस वीडियो में मैं पूरा आपको एंड तक दिखाऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा कैसे रिमूव करके हम इसको रीफिट करते हैं। अगर आप लोगों के पास भी टू व्हीलर कोई बाइक होगी उसका ऑयल लीकेज हो रहा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिपेयर होता है कि नहीं। गाइस, इसमें ऑयल सील लगता है और शॉकअप ऑयल लगता है, बस और कुछ नहीं लगता है इसके अलावा। और ऑयल सील जो है इसका, जैसे किसी गड्ढे वड्ढे में अपन गाड़ी चलाते हैं और फट जाता है, या इसमें किसी ज़्यादा ब्रेकर में उछक गई गाड़ी, तो भी ऑयल सील जो है कट जाता है। इसके किनारे किनारे में रिंग टाइप की एक ऑयल सील होती है जो कि कटने के कारण उसमें से ऑयल लीकेज होता है। तो आप बिल्कुल मत घबराएं, ये सब रिपेयरिंग हो जाता है और आपको इस वीडियो में मैं पूरा दिखाने वाला हूँ। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।